एरिना एनिमेशन इंस्टीट्यूट, जहां विभिन्न पाठ्यक्रम संचालित हैं, जैसे एनिमेशन VFX, ग्राफिक डिजाइनिंग, वेब डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट, डिजिटल मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग, डिजिटल आर्किटेक्चर एंड इंटीरियर डिजाइनिंग, जेका कई के अपना कह सकी थे आपन सपनन का साकार। एक रेल लाइन जो ललितपुर से सिगरौली रेलवे लाइन ही अपने रोजगार के अधिकार मांगे खातिर लगातार जो है धरना प्रदर्शन कह रहे हैं। 1984 से आज तक सोची रीवा सपना से इतने संसद में विधायक भी ना लोकसभा ना विधानसभा कहो बात नहीं उठाए कि रेलवे नियम तो बना देते लेकिन वादा खिलाफी करते। छतरपुर से लेके सिगरौली तक के कोनो संसद विधायक के पास ये चिट्ठी हो तो बता मैं पटरी माँ गाड़ी चल रही ओके सामने आके पहुंच गए। किसान के जब जमीन अधिग्रहण की रेल विभाग हमारी जमीन दो एकड़ चली गई, जब तक नौकरी नहीं मिलेगी तो रेल नहीं चलेगा। नहीं होगा, शासन की अगर मंशा है किसानों की जान लेना तो जान भी दे देंगे। मतलब आर या पार की लड़ाई करेंगे? हाँ, आर की पार की लड़ाई करेंगे। कितनी जमीन फंसी अपनी? लगभग 10 डिसमिल के आसपास। तो अपने गांव में केहू को नौकरी मिली? जी नहीं, केहू को नहीं मिली। केहू को नहीं मिली, काहे की किसान कह रहे हैं रोजगार नहीं था रेल नहीं। अगर 11/11/19 वाला पत्र ना आवा हो तो कम से कम सीधी जिला में सब लोगों की रोजगार मिल गए हो ना, किसान की मुआवजा मिला। आज लगभग 5-6 साल हो गए हैं। चाकू होते डॉक्टर के पास, एक के डॉक्टर उसे ऑपरेशन करा था, एक के कातिल उसे छुरी घोंपी दिया था। रेल चला भाई कहा तो जान ले हम पांच के रेल चली तो हमारे लोगों के सीना से चली। मध्य प्रदेश के विंध्य से यह बेहद दुखद खबर ही कि एक रेल लाइन जो ललितपुर से सिगरौली रेलवे लाइन ही ओ माँ गोविंदगढ़ के स्टेशन माँ कुछ किसान जो है अपने रोजगार के अधिकार मांगे खातिर लगातार जो है धरना प्रदर्शन कह रहे हैं। दिक्कत यह है कि यह रेल लाइन बनी तो ज़रूर लेकिन भूमि अधिग्रहण भा, वादा कुछ भा, वादा खिलाफी कुछ है। सबसे बड़ी बात कि यह पूरे घटनाक्रम में प्रभावित भा तो बड़ा किसान, मतलब बड़ा छोट हर तबके के किसान प्रभावित भा, जे जमीन से तक अबे भा, मतलब धन धर्म सब चला गया। स्थिति यह है कि रोजगार के एक आसरा रहा लेकिन वह पूरी तरह से ध्वस्त हो दिखाल लागे। सबसे बड़ी बात कि हमारे साथ जो है यह अनशनकारी हैं, जहाँ नेता और सब अधिकारी अफसर पहुँचते रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात कि किसानन के अबे तक कौनों में के मागन के निराकरण नहीं भाए। सबसे बड़ी बात कि गोविंदगढ़ के रेलवे स्टेशन बन गया ट्रेन के ट्रायल होए वाला रहा लेकिन किसानन के आक्रोश का देखत कीन अबे कौनों में के ट्रायल नहीं कीनगा न कौनों में के ट्रेन के आवागमन यहाँ शुरू हो पावा। हालांकि एक रेलवे के द्वारा बड़ी एडवाइजरी जारी की गई रही कि जल्द ट्रायल कह के बाद रेलवे स्टेशन में ट्रेन पहुँचे लागी, लेकिन किसानन के आक्रोश के बाद अबे तक यहाँ रेल के कौनो सुगबुगाहट नहीं है। सबसे बड़ी बात कि किसानन के मांग यह ही कि यदि हमारा जमीन लीने है, जमीन जो महतारी आए मातृभूमि आए, और यदि ओ माँ एक बड़ा आसरा रहा कि नौकरी मिल गई, लेकिन परिवार माँ केहू को नौकरी नहीं मिली, केहू का उचित मुआवजा नहीं मिला, कई एक तरह के मांग लेके जो है अनशनकारी लगातार बैठे हैं। तो विंध्य क्षेत्र के यह पहल बघेली न्यूज चैनल में हम करें तिवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थे और शुरुआत करी थी या खबर के जो वास्तव में अपना का जानब बेहद जरूरी है। कहे कि रीवा सीधी सिगरौली से सीधा जुड़ा यह स्टेशन है जौने माँ लगभग 100% काम पूर हो गया है और अब किसानन के मांग जब तक पूर नहीं हो तब तक यह रेलवे के लाइन अपना बच्चे कह रहे हैं कि चालू ना हो दे। का शुभ नाम है अपना के का अपना बच्चे थे काहे खितिर हड़ताल? किसान सुब्रत नाम है मान ली। हम भारतीय किसान यूनियन में हैं और 1984 से लगातार किसान मूवमेंट हैं। हम ऑल इंडिया किसान कोऑर्डिनेशन कमेटी के मेंबर हैं, भारतीय किसान मध्य प्रदेश के अध्यक्ष हैं। अपना का बघेली चैनल के अपने बघेली चैनल के सभी दर्शकन के बहुत अभिनंदन करी थे और अपना सोची 1984 में रीवा सतना रीवा रेल लाइन खितिर भूमि के अधिग्रहण किन गया, वहाँ से हमारा यह कारवा चला। 1984 से आज तक सोची रीवा सतना से इतने संसद में विधायक भी ना लोकसभा ना विधानसभा कहो बात नहीं
नहीं उठाएं। आज तक 1984 से लेके आज तक एक बच्चा का रोजगार नहीं मिली। तो ओके बाद जब यह ललितपुर सिंगरौली रेल लाइन की थी भूमि के अधिग्रहण के बाद चली 2008 से, तो लगातार हम लोग संघर्ष रहन की रेलवे नियम तो बना देते लेकिन वादा खिलाफी करते हैं, लगातार हम लोग प्रयासरत हैं। अब सोची 2012 में यहाँ के भूमि के अधिग्रहण की इनका रीवा सीधी सतना मान रीवा सीधी सिंगरौली और सतना पन्ना छतरपुर तक के ललितपुर सिंगरौली रेल लाइन की अधिग्रहण की इनका जमीन के, अब सोच सकी थे यहाँ पटरियां बन गई, रेल के उद्घाटन आवे लाग, 14-15 विधायक हैं, 4-4 सांसद हैं जेकर माने प्रदेश में सरकार है, और विधायक अधिकतर विधायक इनके प्रदेश में सरकार है, अब संसदन के केंद्र में सरकार है, लेकिन किसान यहाँ पिपियान भाग रहा, ठंड मामा बुजुर्ग किसान यहाँ अनशन में है, कोई सुने वाला नहीं। रेलवे तो कहा थी कि हम 2019 से पहले वाले लोगन के जेकर भूमि अधिग्रहण भा है उनका नौकरी दे हैं, लेकिन नहीं को का नहीं मिला मान ली। हाँ। का भर हा कि रीवा शैलेन्द्र सिंह जी आए, मड़बा में लगातार अनशन भा, शैलेन्द्र सिंह जी आए जे रेलवे के माने महाप्रबंधक रहे, हम लोग सब लोग घिराव करें। ओके बाद शैलेन्द्र सिंह जी एक लेटर लिखिन और वह लेटर मधीन अपना लेटर यहाँ रखा हुआ अपना बजे दिखा सकी थी, लेटर दे थोड़ा सा ज्ञापन में लगा है, तो लेटर में हूँ शैलेन्द्र सिंह जी कहीं कि जितने रेलवे लाइन से माने विस्थापित किसान परिवार है सबका बच्चन कर दी जाए, और हम ही एक पत्र लिखागा अपने चैनल के माध्यम से बता सकी थी कि रीवा कौनों हमारे छतरपुर से लेके सिंगरौली तक के कौनों संसद विधायक के पास यह चिट्ठी हो तो बता मैं कि चिट्ठी लिखिन कि यह वेबसाइट में अपलोड कर दीन गया बच्चन के रोजगार की तीर, वेबसाइट में अपलोड कर दीन गया कि रोजगार दीन जाए। सोची यह रेलवे के नियम रहा रोजगार दे के, लेकिन वेबसाइट में अपलोड करके आधे बच्चन का रोजगार दीन आधे का प्रक्रिया बंद कर दीन, और वह वेबसाइट में जब उन अपलोड करी मान ली तो रीवा सीधी सिंगरौली और सतना पन्ना रेल लाइन देखिए अपना ओमा यह नहीं रहा कि विस्थापित किसान परिवार के सलगे लोगन के नाम आवा हुए कुछ है के नाम शामिल करके वह वेबसाइट में जारी करते वहूँ आधीन का रोजगार दी आधीन का प्रक्रिया बंद कर दी। कितने लोग हैं ऐसा जो प्रभावित थे मगर उनका रोजगार नहीं मिला है? अब अपना सोच सके थे कि 2-4 हजार लड़का है छतरपुर से लेके सिंगरौली तक, अपना सोचिए बहुत बड़ा मामला है रीवा जिला सीधी जिला सिंगरौली, समस्या कहाँ आ रही है? समस्या यहाँ आ रही है कि रेलवे हमेशा नियम मान ली बदला था, कहो कह दे यह नियम कहो कह दे वह नियम, और अब अपना का बता दे कि ललितपुर सिंगरौली रेल लाइन की तीर रेलवे एक नियम जारी कर इसते कि एम हम मुकदमेबाजी नहीं उत्पन्न करे चाहिए, तो ऐसे एम भूमि के आश्रितन का हमेशा माने जब तक यह देखी नियम अपना कि जब तक माने सब रोजगार जब तक नहीं मिल जाए सबका दिन जाए, लेकिन ओके बाद 2019 में ही लोग नियम पारित कर दिन संसद में कि अब बच्चन का रोजगार न दिन जाए, लेकिन अब यह अपना यह बताई कि जब हम मांग करी थी अपना के चैनल के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी से रेल मंत्री जी से माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी से कि जउन जब अगर आधारशिला रीवा सिंगरौली रेल लाइन की कब रखी गए, जब आधारशिला रखी गए तो अपना ओखर भूमि के अधिग्रहण 50 साल में करब तो किसान कहाँ से दोषी है अपना बताई, ओके बाद सोची या रेलवे लिखी सी कि ललितपुर सिंगरौली रेल लाइन में कौनों नियम लागू नहीं है, जब तक सबका रोजगार नहीं मिल जाए तब रोजगार की प्रक्रिया जारी रखी जाए, रोजगार की प्रक्रिया बंद कर देंगे। हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधि हरी झंडी दिखावे के तैयार हैं बिल्कुल कि जल्दी हरी झंडी दिखा जाए, लेकिन वो यह नहीं सोचिन कि माने किसान के बच्चन का रोजगार मिली, तो हम आप जिनकी यह अनशन के मतलब है रीवा सीधी सतना माने पन्ना सब लोगन के जहाँ रेल लाइन से प्रभावित ललितपुर सिंगरौली कि हर गांवन में कैंप लगावा, अभी अपना की सीधी में देख सकी थी अपना अधिकतर गांवन के मुआवजा नहीं मिला है, भू अधिग्रहण लोगन के नहीं भाए, तो सोची उनकर कोई सुने वाला नहीं है, सम्मिलित खाता है कुछ लोगन के हिस्सा बांट नहीं भाए, कुछ लोगन के लड़का वयस्क नहीं भेजाए, कुछ लोगन के ओवर एज हो रहे, अपना सोच सकी थे 12-15 साल से इंतजार कर लड़का ओवर एज हो रहे हैं लेकिन कोई सुन नहीं रहे हैं। कई बार बताई कि जैसा अपना कहन की ओवर एज हो रहे लड़का, या 4000 किसान प्रभावित थे या 4000 बच्चा प्रभावित थे जी, तो है तो दस अबे आप आज अपना उबे नहीं बहन दोपहर के जितनी देर आज रेलवे के चीफ इंजीनियर आए रहे हैं, सब लड़का यहाँ आए रहे हैं, तो सब लड़का यहाँ पूरा है यहाँ अपना की झुंड रही है अपना को खर हम पूरी वीडियो अपना के दई देवे, लेकिन यहाँ अनशन क्रमिक धरना चल रहा है, या तो नहीं चल रहा है कि पूरे लोगों के यहाँ बैठा है ले यहाँ अपना सोच सकी थी दूरी कितनी है, सब लोग आ रहे हैं आया सब लोग पूरी तन्मयता से आ रहे हैं, रामपुर से हमारा लड़का भी है यहाँ धरना स्थल में, हर सीधी से हमारे यहाँ रामपुर से आए लड़का, और हर जगह के लड़कन के अलग अलग दिनन में ड्यूटी माने है कि यहाँ आए के धरना दें। ओके बाद हम लोग अपने का बतावे चाहिए थे अपने चैनल के माध्यम से कि रेल मंत्री से लय के प्रधानमंत्री जी सरपंच साहब से लय के सांसद विधायक चीफ इंजीनियर सबका ज्ञापन दिन जा चुका, महाप्रबंधक के कार्यालय के सामने धरना दिन जा चुका, न करी तो क्या करब है, न करिए न करिए तो पत्थर से बड़ा तो मूड नहीं हो, तो हम यह अपने चैनल के माध्यम से मांगब कि ऐसा करी कि कह दे कि अडानी अंबानी या कोह के भूमि के अधिग्रहण कीन जाई दीन जाई तो उनका किसान के मुआवजा न दीन जाइए, कौन नियम रेलवे बना दे कि जे किसान के भूमि के अधिग्रहण कीन जाए उन्हें मुआवजा न दीन जाए,
गई तो मुआवजा वापिस ले ले, मुफ्त में ले ले जमीन। लेकिन अगर रेलवे, यह संवैधानिक अधिकार है, रेलवे अगर लिखी सी वेबसाइट में अपलोड करी सी तो सब बच्चन का रोजगार दे, और रेलवे अगर रोजगार न दे तो रेल न चले दही किसान यहाँ से लेके रीवा सीधी, लेकिन शांतिपूर्ण ढंग से हम लोग यही रोकब और जनप्रतिनिधियों के घेराव करब। अपना के चैनल के माध्यम से हम ये जरूर मांगे चाहते, हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधि बहुत प्रताड़ित कर रहे हैं किसानन का, लगातार सीधी संसद, रीवा संसद और अपना खजुराहो संसद और सतना संसद, हम माने थे कि वो लोग सब हम बात उठाई हुई है दो चार बेर, लेकिन इधर की किसान के बहुत ज़्यादा दबाव में बात उठाइन, लेकिन सरकार हमारे संसदन के बात नहीं मान रही है बताई, तो हम लोग आखिर कहाँ जाई, अपना पूछ रहे हैं कि हम का करब, तो हमारे ये संसदन से पूछी कि अगर वो रोजगार न देवा पाई हैं तो किसान का करें। किसान यह ठानी नहीं कि रोजगार नहीं तो रेल नहीं, और अगर इधर की रोजगार नहीं तो वोट नहीं। चलिए, तो कुल मिला के अपना समझ सके थे कि यह पूरा जो मामला जो है यह बेहद गंभीर है, कहे कि एक युवा यदि बेरोजगार है तो वह घरे खेती बोझ है, और बोझ से हम कहीं लगे या सब देश से कहीं लगे, कहे कि परिवार दिन प्रतिदिन बड़ा हो जाता है, लेकिन एक बड़ी जिम्मेदारी परिवार के प्रति होती कि ओकर खर्चा कैसा चली। लेकिन एक बड़ी आशा भरी निगाह से यह रेल परियोजना की ओर हर युवा हर परिवार देखर रहा, जे या रेलवे लाइन से प्रभावित रहा। लेकिन अब किसान बेहाथ हो गया है, स्थिति यह है कि जैसे अपना कह रहे हैं कि अब करी का सबके लगे जा चुके हैं, सांसद, विधायक, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लेकिन कहों से कौनों में के एक कहा जाए कि सकारात्मक रवैया नहीं मिला है, जेके चलते स्थिति यह है कि यह कर्मी कंसर्न लगातार जारी है। तब फिर समझी कि यह रेल लाइन के जो भविष्य है वह सीधे सीधे अंधकार में दिखाने लग है, काहे कि लगातार जो है शांतिपूर्ण धरना तो चल रहा है, लेकिन अपना पचन के यह कहा है कि रेल नहीं मतलब रोजगार नहीं तो रेल बिल्कुल नहीं। अब यह अपना पचन का एक शख्स मिलाई थे जे मतलब रेलवे के दौरान टेस्टिंग के दौरान जो ओमा पटरी माँ गाड़ी चल रही ओके सामने आए के पहुँच गए। अपना का पहले अपना हमारे चैनल में सुने हो जिनके द्वारा यह कहा गया रहा कि यदि नौकरी नहीं मिली, रोजगार नहीं मिला तो हम आत्मदाह कर ले। का शुभ नाम है अपना? हमारा रामायण प्रसाद शर्मा। का अपना का चाहिए अपना का? तो या किसान के जब जमीन अधिग्रहण की रेल विभाग की वादा वरिष रेल मंत्री के आदेश भा, प्रधानमंत्री मोदी जी के आदेश भा कि एक किसान का एक पट्टे में चाहे एक डिसमिल जमीन हो चाहे पाँच डिसमिल जमीन हो तो नौकरी दी जाएगी, तो 2011-12-19 के पहले आधे लड़कों को नौकरी मिल गई, आधे को नहीं मिली। तो अपना के कितनी जमीन अधिग्रहित थी? हमारी जमीन दो एकड़ चली गई। नौकरी केहू को नहीं मिली? कोहू का नहीं मिली। तब यहीं से अपना धरना दे रहे हैं? हम धरना नहीं दाए हैं। हम 4,000 किसान का धरना दाए हैं, रीवा, सीधी, सतना, नागौर, सबको पन्ना का। हम किसान नहीं, तब का है अपना सुनवाई का ही नहीं हो लगी? सुनवाई आज अनशन जौन है 28-27 दिन अनशन करके हो गया। आज रेल विभाग के अधिकारी आए यहाँ पर, कलेक्टर आए, कलेक्टर साहब आदेश दिए SDM को और कहा कि आप आवाज बना के वो भेजिए DRM के पास। और हमारा कहना यह है कि जब तक नौकरी नहीं मिलेगी तो रेल नहीं चलेगा। आज रेल विभाग के इंजीनियर जो रेल चलाई तो क्या करब, हम आत्मदाह करेंगे, हम रेल के पटरी में पड़ जाएंगे किसानों की खेती। हमारे किसान के नेता दादा सुग्रीव सिंह, दादा ललनू पांडे, राम लखन शुक्ला, राघविन पांडे, हमारे जुझारू नेता सुप्रमण त्रिपाठी और हमारे गुड़हार के गुरु बाबा और हमारे साथ 4,000 किसान हैं। हम यही भर के मांग नहीं किए, हमारे बालक को नौकरी नहीं मिलनी चाहिए, पहले दूसरों को नौकरी मिलनी चाहिए। हाँ, हमारे ठीक है अपना सुनील लगे कि किसान दर्द में है, चिल्लाए रहा है, गुहार मार रहा है, लेकिन यह सरकार न सिस्टम सुने का तैयार नहीं है। सबसे बड़ी बात कि यह सिस्टम जो लोगन के बेहतरी खेतर बना बगा है वह सिस्टम अब वादा खिलाफी कह रहा है। किसान लगातार आरोप दर आरोप लगाए रहे हैं कि बात कुछ कह कीन गए रही भूमि अधिग्रहण के वक्त, लेकिन अब अपने बात से विभाग रेलवे
जो है पलट रहा है और लगभग 4000 ऐसा युवा बेरोजगार हैं जिनका आश्वासन मिला रहा कि तो का रेलवे में जमीन अधिग्रहण के दौरान नौकरी मिली। कुछ लोगों का तो नौकरी मिली लेकिन कुछ अब बेरोजगार हैं और पूरी तरह से यह कह रहे हैं कि यदि नौकरी नहीं रोजगार नहीं तो फिर रेल नहीं। का शुभ नाम है अपना? त्र्यंबकेश्वर प्रसाद पांडे। का कहब अपना? यह हम रीवा, हाँ रीवा सीधी सतना पन्ना रेल बांध के सभी किसानों को नौकरी दी जाए, ये कोई पार्टी का नहीं है, किसानों का अनशन चल रहा है। जिस प्रकार से सभी पार्टी के नेता विधायक सांसद अपने मांग पत्र के लिए जो टीए भत्ता और पेंशन अपना पैसा पाने के लिए करते हैं, उन्हीं सबसे मेरा आग्रह है उसी प्रकार से सब पार्टियां मिलके मेरे किसानों की सुनवाई करें और थप थप पास करके नौकरी दिलाएं। ना हुई तो क्या करब, नहीं होगा शासन की अगर मंशा है किसानों की जान लेना तो जान भी दे देंगे। नहीं मतलब आर या पार की लड़ाई करेंगे? हाँ, आर की पार की लड़ाई करेंगे। मतलब कौनो एमा गुंजाइश नहीं? गुंजाइश नहीं है। चलिए तो अपना कह रहे हैं कि अब किसान के साथ जो हो रहा है या ना हो चाहिए सरकार का सुने चाहिए, संसद या विधायक अपन यदि बात करते हैं कि हम बेहतरी हो ता किसान आखिर काहे छूट जाते हैं। भारत एक कृषि प्रधान देश है और कहा यह जाता है कि किसान यदि सो जाए तब वास्तव में देश सो जाए, लेकिन अब किसान गुहार मार रहा है तो काहे आवाज़ नहीं सुना ला गया, सबसे बड़ी बात यही है। का शुभ नाम है? बृजेश पांडे। बृजेश जी का है, का लागत का है अपना, का ईमानदारी से बताइए कि इतने साल से अपना बच्चे लगातार मांग कह रहे हैं। 2019 में एक गजट पास होता है कि अब नौकरी न दी जाए, भूमि अधिग्रहण हुई तो सिर्फ मुआवजा मिली। ओके पहले वाले लड़कन का बहुतेरन का भूमि अधिग्रहण तब हो गया मगर नौकरी नहीं मिली, तो ये लगातार वादा खिलाफी और फिर अपना बच्चे की यह विरोध प्रदर्शन एकर का नतीजा का लागत है? इसमें मेन ये है कि मैं आपके चैनल से माध्यम से बघेली बोलत बनत हुए तो बघेली में बोली, हम अपना के माध्यम से निवेदन यह करे चाहे थे कि वोट तो बीजेपी ले ली, नरेंद्र मोदी जी पीएम बन गए। मुझे शर्म ये लग रही है कि तीन सांसद यहाँ का पूरा उठाए मामला, कम से कम 5-5 मिनट जनार्दन जी बोले हैं, रीति पाठक जी बोली हैं, सतना सांसद गणेश सिंह जी भी बोले हैं, लेकिन बताइए जब ये जनप्रतिनिधि है, हम इनको चुने हैं, वोट दिए हैं, इनकी आवाज़ नहीं सुन रही है सरकार तो किसानों कैसे सुनेंगी? तो ये किसान उग्र हैं, हमारा यही निवेदन है कि हमारी सुने, किसानों की सुने, आगे अगर ऐसा करेंगे तो जो किसानों की बात करेगा वही देश में राज करेगा। ये सब किसान इकट्ठा होके ऐसी सरकारों गिरा देंगी जो हमारे जनप्रतिनिधि का नहीं सुन रहे हैं, बड़े शर्म की बात। क्या लागत है कांग्रेस आए जी तो नौकरी मिल जाए? हमका यह लागत है कि बदलाव अगर हमारे जनप्रतिनिधियों के नहीं सुन रहे तो ऐसा सरकार हमका काहे न चाहिए नहीं है मेमा। हमका सरकार ऐसा चाहिए कि हमारे नेता की बात सुने, लेकिन न हमारे किसान नेता की सुन रहे हैं, न जनता के लिए, जो जनता हम लोग चुनन है जनार्दन मिश्रा हम लोग चुनन है, सतना के जनता चुनी सी गणेश सिंह का, सीधी के जनता चुनी सी रीति पाठक जी का, लेकिन सबसे बड़ी शर्म की बात है कि 15-15, 10-10 मिनट लोकसभा में बोली न अपनों दिखन हो, लेकिन इनखर माने मांग नहीं मानी जा रही, ना किसानों का मानी गई। नहीं तो क्या लागत है कि मतलब हो गया बेनतीजा रही है? या बेनतीजा रही और हमका ये समझ में आवत है कि हमारे किसान बेचारे शांतिपूर्ण इंठ बैठ के ठंड में बताई रह रहे हैं, खेती किसानी प्रभावी थी, न पानी लगा पावत आई खेत में, गेहूँ के दाना छोट हो गई, तो हमका बड़ा शर्म लागत है कि प्रदेश में भी सरकार है, शासन और प्रशासन, शासन के सारे में प्रशासन आया था एक दिन, यहाँ कलेक्टर भी आए, कमिश्नर भी आए और यहाँ के विधायक जी भी आए। आश्वासन मिला उनसे? आश्वासन ये मिला कि हम आपकी मांगों को, जायज मांगों को शासन से बात करेंगे और आपका पूरा देंगे और सुब्रत मुखर्जी पार्टी मांग करें इनका अपना नहीं तो उनका यही है, जब हमारी मांग नहीं होती तो उनको नाजायज दिख रही है। बेचारे किसान यहाँ बैठे हैं, इनसे पूछिए बेचारों के खेत सूख रहे हैं समझिए, इनको इस समय पानी लगाने का वक्त है, यहाँ रहते हैं, चाहे ठंड में कोई दिक्कत हो जाए, सांप बीछी कोई काट ले मर जाए कि कौन माने इसका गारंटी लेगा। तो हमको सिर्फ ये है कि हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी अभी रीवा आने वाले हैं 15 तारीख को और यहाँ पीएम भी आते हैं, सब व्यवस्था पूरी बनाई गई, ये सुने ना आखिर किसानों की, हम लोग देश के तकदीर और तस्वीर हैं। कोरोना लगा था तो साफ समझिए सिर्फ किसान के दम पर रोटी मिली है, कोई अंबानी अडानी जो बन जाएगा पैसा कोई ना खाएगा, खाएंगे तो रोटी जिससे जिंदा रहेंगे और वही रोटी को माने नष्ट करने में लगी हुई सरकार। चलिए कुल मिला के एक बड़ा गंभीर आरोप जो है अपना पचन के द्वारा लगावा जाल लाग है वो तब सुग्रीव जी का कहब अपना का कि नौकरी जब मांगी थे तो सरकारन से या फिर अपना बच्चे जो में धरना दे रहे हैं तो का आश्वासन का मिला था? आश्वासन होगा
अब आज हमसे तो कुछ नहीं कहीं, अब उन्हीं से कहीं नहीं पंडित जी से जब कहीं हो। हाँ चलिए, अपना शुभ नाम का? हमारा जगदीश प्रसाद कुशवाहा। अपना कितना फंसा है जमीन? हमारा जमीन है 25-30 डिसमिल। नौकरी कैसे जाने के मतलब कहाँ कर? हर 5-6 जन के है नौकरी हमारी हुकूम। तो कहत का है? कहत यह है कि होगा मिली मिल नहीं रहा कुछ, कुछ नहीं मिल रहा। हाँ कुल मिला कि यह हाल है। अपना शुभ नाम का है? जी अमृत सिंह। कहाँ से है? रामपुर नेगिन से। अपना यह धरने में बैठा? जी हाँ। कितनी जमीन फंसी अपने? लगभग 10 डिसमिल के आसपास। तो अपने गांव में केहू को नौकरी मिली? जी नहीं, केहू को नहीं मिली। केहू को नहीं मिली? जी नहीं। कहाँ बतावत का है, कहाँ का है? बता जा रहा 4 साल से हम लोग फॉर्म जमा करे हैं, बोले ना कि भर्ती चालू हुई तो भर्ती हुई, भर्ती नहीं चालू हो रही है, 5 साल हो गया गुजर गया। अब अनशन में बैठे हैं हम लोग कि शायद कुछ एक विकल्प निकले, अभी तक तो कुछ नहीं निकला, बैठे हैं अब जब तक ना। उम्मीद है? उम्मीद तो है, अनशन में बैठे हैं तो उम्मीद है कि जब तक हम नीचे बैठे हैं अनशन संघर्ष कर रहे हैं तो नौकरी मिली। मान लीजिए यदि नौकरी कहा थे कि ना देव तक आकर, अब 5 साल तो हमारा बर्बाद हो गया नौकरी के चक्कर में ताके, अब कोनो मतलब नहीं है। अगर नौकरी नहीं तो कोनो मतलब नहीं है, फांसी रेल के पटरी में झूले पड़ी, लेटक पड़ी रेल पटरी में। चलिए, तो कुल मिला कि यदि युवा के भविष्य सुरक्षित नहीं तो फिर केकर भविष्य सुरक्षित है? यह देश युवन के देश है, भारत की आबादी अधिकतर युवा के और युवा के भविष्य ओका बदकार में दिखा लग है, और कहो न कहो यह वादा खिलाफी से एक बड़ा जन समुदाय के अंदर जो है जनाक्रोश है, और यह जनाक्रोश के चलते सबसे बड़ी बात यह है कि अब यह रेल जो एक बेहद महत्वाकांक्षी परियोजना है ललितपुर सिगरौली, वह कहो न कहो अवरुद्ध हो दिखाला ही, काहे कि किसान कह रहे हैं रोजगार नहीं था रेल नहीं। हमारे साथ मध्य प्रदेश के कांग्रेस के जो है प्रवक्ता हैं शिवम शुक्ला, उनसे हम जाने के प्रयास करी थे कि आज अपनों यह धरना प्रदर्शन में शामिल हो लागे, अपना समर्थन दे रहे हैं, कांग्रेस के अन्य लीडरों आए हैं, तो कांग्रेस के रूप में अपना ऐठे आए हैं या अपनों की जमीन कहाँ फंसी है, अपना का नौकरी चाहिए? देखिए, हम यहाँ व्यक्तिगत कैपेसिटी में आए हैं, जैसे हमारे क्षेत्र में सीधी सिंगरौली में ललितपुर सिंगरौली रेलवे लाइन एक बड़ा मुद्दा है, और कहाँ ना कहाँ पार्टी सूट के भारतीय जनता पार्टी के स्वयं विधायक हैं नारायण त्रिपाठी जी, उन खुद यहाँ धरना प्रदर्शन में आए रहे हैं। तो देखिए, जब लोग खुद से जुड़ा कोनो विषय होते जी व्यक्ति जनता के बीच रहते, जनता के बीच सक्रियता रखते, तो ओकर ये आवश्यकता रहती कि कई बार दल हमें साथ हो या न हो, व्यक्तिगत कैपेसिटी में अगर अपने लोगों के साथ राजनीति इंसान अपने क्षेत्र के लोगों खेती करते है, अगर उनके हितन के साथ कहाँ पर समझौता के उन्होंने जनप्रतिनिधि के कारण हो रहा है, अधिकारी के कारण हो रहा है, संस्था के कोनो नीति के कारण हो रहा है, तो ओकर एक विरोध करब हमारे पर जिनके जनप्रतिनिधि या फिर जो सार्वजनिक जीवन में होए के नाते एक कर्तव्य और दायित्व होता है, तो वही के निर्वहन खीते जब हम दिखें कि सीधी सिंगरौली जो ललितपुर सिंगरौली रेलवे लाइन है ओके विरोध में जो रोजगार के वादा किन गया, जो मुआवजा के वादा किन गया, वो सब चीज़ जब पूरी नहीं होती रही है तो ओके बाद यहाँ किसान बैठा रहे हैं धरना पर, तो हमके उचित लग, क्योंकि हम सीधी सिंगरौली में लड़ाई हम विगत कई वर्षों से लड़ रहा है, सिंगरौली सीधी में अपना देखी शासन के कई सारी गलतियों के कारण अकेले सीधी जिला में 22 गांवन के अवार्ड लगभग फाइनल स्टेज में आए के 2019 में व्यवगत भर रहा है, और वो अवार्ड की व्यवगत करे के पीछे जो आधार दिन गर है, अगर 11/11/19 वाला पत्र ना आवा हो तो कम से कम सीधी जिला में सब लोगों की रोजगार मिल गए हो, लेकिन 22 गांवन में प्रक्रिया पूर्ण करे के बावजूद अवार्ड की पारित नहीं किन गए, और आधार का लगावा कि भ्रष्टाचार किन गए है, और लोकसभा चुनाव आए गए हैं, विधानसभा चुनाव आए गए हैं, तो जो अधिकारी कर्मचारी रहे वो काम नहीं कर पाए, तो पिछले कई सालों से जो प्रक्रिया चली शासन के राजस्व लाभ अवार्ड बनवे में, और वो अवार्ड की फाइनल नहीं किन गए, ना किसान की मुआवजा मिला, आज लगभग 5-6 साल हो गए हैं, और नौकरी 11/11/19 के पत्र बीच में आएगा तब सीधी के लोगों की मिली ना, सिंगरौली की तरह प्रक्रिया 2017 में चालू है, 2019 में नौकरी उनके दई दिन जाए चाहती रही लेकिन नौकरी उनके नहीं दिन, 2019 में पत्रावा प्रक्रिया 17 में चालू रही, उन्होंने की तरह बोल दिन कि हम नौकरी अब न देव अपना पंचन की, सरासर नाइंसाफी है। परियोजना बतावत है कि 1998-99 के परियोजना है, और ओके परिणाम स्वरूप 2013 के जो एक्ट है उसमें प्रावधान है कि सामाजिक संघात के सर्वे हुई, ओके बाद चरणबद्ध तरीके से हर चीज की कस की भू अर्जन की पूरी प्रक्रिया संचालित की जी, हर चीज हमें समझाई गई, और सामाजिक संघात के सर्वे में अपने आप आ जाते कि कितना कुटुंब है जो विस्थापित हो रहे हैं, उनके रोजगार देके कहां न कहां पुनर्स्थापित करे की आवश्यकता ही, ओके बाद भू अर्जन की प्रक्रिया आगे की जात, लेकिन कहां न कहां हमारे जनप्रतिनिधि जो है उनके अपने अधिकारी के बारे में सजगता नहीं है, और यही कारण है कि शासन जितना नियम कायदा है ओके बाईपास करके रोजगार के सानंद के कहां न कहां जमीन हड़पाई के मंशा रखा थी, और अपना जैसा कह रहे हैं कि सरकार जो है जमीन हड़प रही, जबकि सबसे बड़ी बात यह है कि जैसा अबे पांडे जी बताएं कहें कि भाई जनार्दन मिश्रा आवाज़ उठाएं, गणेश सिंह आवाज़ उठाएं, रीति पाठक आवाज़ उठाएं, अब तब गेंद था मतलब किसान के पाले में ही भाई जनप्रतिनिधि के काम आए सदन में आवाज़ उठाओ, सदन में आवाज़ उठी, अब
कहाँ फंसी है बात, अब का कहा अपना? देखिए, हम स्पष्ट एक बात कही थे, अगर कोनो व्यक्ति कोनो चीज के सफलता के श्रेय लेते हैं तो विफलता की जिम्मेदारी स्वाभाविक तौर पर वही व्यक्ति के ऊपर जाती। सीधी सांसद, सिंगरौली सांसद जो निकई हैं, रीवा के सांसद हो गए, या फिर जो अन्य भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि हों, उनका दावा ही रहा था कि इस क्षेत्र जो रेलवे से नहीं जुड़ा रहा है, ओके रेल से जोड़े खातिर पूरा प्रयास हम करें, हम रेल लाई क्या अपना दिखे हैं सीधी में कितना बड़ा कार्यक्रम है, हर एक छोट मोट जो कोनो एक अस्पतालों भर बना था तो श्रेय ले में कहा न कहा भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि में हो रहा थी। और अगर रेलवे लियावे की जिम्मेदारी उनका हिताज रोजगार न मिलने के पीछे रीजन की है, वही सांसद वही विधायक है। और हम अपना की एक बात और दावा के संगे कही लान, अभी हम कोनो सार्वजनिक मंच पर इतना एक्सपोज अपने आप की करें कि नहीं, हम एक एक तथ्य तरीके से कोर्ट में जो उन भी हमारे देश में संस्था है जहाँ लोगों की न्याय दिया जाता है वहाँ ही बात ही रखब कि कहा न कहा जो सांसद हैं सीधी के, एक राज्यसभा सांसद हैं, एक लोकसभा सांसद हैं, रीवा सांसद, इस सब अपने निजी सचिवन के नाम पर, अपने निजी परिवार के लोगों के नाम पर भू अर्जन में करोड़ों रुपया के मुआवजा खाए हैं। सीधी सिंगरौली में नियम विपरीत तरीका से अवार्ड में प्रभाजन करे के प्रावधान है, ओके ध्यान में नहीं रखा गया, नियम के बाद बैकडेट पर प्रभाजन कर रहा है कि अपना के नाम मुआवजा पारित भर राज के भुगतान के नाम पर स्टाम्प लगाए के SDM कलेक्टर कई दिन कहा जाना, अपना भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में कहा न कहा किसानन के संघे एक बुरा व्यवहार किया जा रहा है। आदिवासियों के जमीन पर सामान्य लोगों के मकान लिख करके, जमीन पर उनके परिसंपत्ति लिख करके मुआवजा बांटा जा रहा है, ये सब चीजन के विरोध में अगर इंसान देखा था तो एक पीड़ा होती। और हमारे पिताजी पिछले कई वर्षों से इन चीज के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है और इस सब चीज की हम समझत चलाए हैं लगातार एक सिलसिलेवार तरीका से, का आखिर वास्तविक में कौने प्रक्रिया के तहत लोगों का लागत है अपना का, ठीक है अपना नियम कायदा बताए दिहन, भ्रष्टाचार बताए दिहन, घोटाला बताए दिहन, PN के उजागर कह दिहन, अब ये बताइए किसानन के का हुई, किसान इनका मिली कुछ? देखिए, किसानन खेती अब दो ही रास्ता है, एक हमारे देश में अदालत है, वहाँ हम पच्चे बकायदा हाई कोर्ट में केस लगाए हैं कि किसानन की रोजगार दी जाए, क्योंकि जब परियोजना छानने संतान ने किया अपना भू अर्जन के प्रक्रिया करे टाइम सामाजिक संघात नहीं कर लाई कह लन की पुरान परियोजना है तो अपना की रोजगार है, देखी थी 2017 से पहले भू अर्जन पूरा सिंगरौली तक के शुरू हो रहा है तो अपना सबकी रोजगार दे, 2019 के बाद जो अपना प्रक्रिया इनिशिएट करे वो हमें अपना पत्र मान्य हो ठीक है मान्य, लेकिन जो चीज 2017 से पहले कहा होते कि अपना हमसे जमीन के सौदा करे, वो भी शासन और लोगों के बीच में एक एग्रीमेंट के तहत विशेष प्रावधान के तहत अगर एक दरकी अर्जन बहुत की कोनो देश हित के विषय रहा है तो ओहू के भू अर्जन एक्ट में कहो न कहो प्रावधान है कि अपना तत्काल जमीन लेके तुरंत काम चालू कर दे, यो किसानन की नौकरी चाकरी जो उन्हें सब फिर प्रक्रिया के तहत दिन जाई, लेकिन ये पूरा सामान्य परिस्थिति में अपना सामाजिक संघात के सर्वे न कही आखिर कितना कुटुंब विस्थापित हो रहा है, यही से अपना गड़बड़ी कर रहा है। और कहा न कहा मोदी सरकार के, शिवराज सरकार के मनसा नहीं है लोगों के रोजगार दे के, अपना एक बात समझी पूरे देश में जब 2013 में हम पचे UPA सरकार हमार एक एक्ट ले आई रही भू अर्जन पारदर्शी तरीके से अर्जन के कार्यवाही करें कि किसानन के हित के सुरक्षित करे की, तो हमें हम बच्चे वादा करे रहे कि किसानन की गुड़क दू लगाई के उनके जमीन के मुआवजा निर्धारण की जी, मतलब 4 गुना मुआवजा जमीन के बदले मिली, ओके नियम में न होए के बावजूद मोदी सरकार बदले की कोशिश करी विफल हो गए, फिर शिवराज सरकार यहां ओके जबरदस्ती गुड़क एक लगाई दी सब किसानन की मात्र 2 गुना मुआवजा मिल रहा है, पूरे देश में 4 गुना मुआवजा किसान पा रहे हैं, ये हमारे हम तो सिंगरौली जिला से थे अपना बच्चे तक रेलवे की परेशान हूं, हमारे यहां तो आए दिन लोगों के साथ कैसे अन्याय किया जाते हैं, प्रशासन अधिकारी उनके कौने रूप से उनके जमीन के बारे में कौने आधार पर लिखिन का लिखिन का नहीं लिखिन, उनके घर की के नाम लिख दिन, द्वार की के नाम लिख दिन, कौन चीज के हिसाब किताब नहीं, हमारे पजन के रेलवे चले हमारे उपजन के मनसा ही, हम बचे NHO के दुर्दशा देखे नहीं है भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि के भ्रष्टाचार के परिणाम स्वरूप, अधिकारियों के भ्रष्टाचार के परिणाम स्वरूप आज सड़क नहीं बन पाई, हम बचे होकर दुर्दशा देखे वाले लोग हैं, हम बचे देखे थे कोयला के जब पूरे देश में कहा संकट आवत है, सगली यात्री ट्रेन सीधी सिंगरौली कही थी जो आवत जाती है उनके रोक दिया जाता है और मालगाड़ी की बाईपास करते हैं, हम बचे हैं देश की लगातार कहा न कहा अपने हितन से कंप्रोमाइज करी थे, हमारे तो यह मांगी कि जितना सीधी सिंगरौली से प्रभावित रेल लाइन में ललितपुर सिंगरौली रेल लाइन में जितना प्रभावित जन है सबकी रोजगार दिन जाए चाहिए, मुआवजा पारदर्शी तरीके से दिन जाए चाहिए, और हमें जो उन्हें मेयर से बैक डेट में बटांकन कर रहा है बैक डेट पर जाकर प्रभाजन कर रहा है, इस सब चीजन के विरोध में हमारी पार्टी खड़ी है, हम पचे खड़ा है, और देखिए एक बात स्पष्ट ही अदालत में लड़ाई लड़ब, लेकिन अब मध्य प्रदेश और इस देश में सत्ता परिवर्तन के समय आ रहा है, जनता अपने अधिकारन की समझब शुरू कर चुकी है, 2023 में अगर कमलनाथ जी की सरकार आई, 2024 में कांग्रेस पार्टी के केंद्र में सरकार आई, भाजपा तो यह आरोप लगा देती कि कह देती कि जब बनी बनाई सरकार नहीं संभाल पाए, अपने विधायकन का नहीं संभाल पाए, तो जनता हो गया चुनी भर दे तो फिर पुनः हुई। देखिए जनता
होई के तो कुछ हो सका थे राजनीति में, लेकिन जनता भी बात समझ चुकी है कि हमारे पजन के जो कांग्रेस पार्टी के लड़ाई ही बहुत ही एक तानाशाही प्रवृत्ति के लोगन के संघ हम पर लड़ाई लड़ी रहा है। तो कहाँ ना कहाँ जो अब हमके जनादेश है 150 सीटन से ऊपर के जनादेश दे के जनता पठाई और ओके बाद हम पे जनता के जितनी समस्या है उनके अधिकारन के जितना मुद्दा है ओकर रक्षा करे। मंत्री कहा थे कि भाई सरकार आई, सरकार जब बनी बनाई सरकार नहीं चला पाए तब कहाँ से चलाए। गृह मंत्री की तो शायद गृह मंत्रालय छोड़ करके मध्य प्रदेश में महिलाओं के ऊपर अत्याचार देखी, आदिवासी दलितन के ऊपर अत्याचार देखी, पत्रकारन के ऊपर अत्याचार अपना देखी, ये सब चीजन पर गृह मंत्री ध्यान न देकर रोज मीडिया के सामने आके बयानबाजी नरगल करते हैं। प्रधानमंत्री जब भाजपा के राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक रही तो हमें स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेतन की अपने शब्द रखा इस पहले सोचे चाहिए कि कौन विषय पर बोले चाहिए। एक गृह मंत्री जैसे पद पर सुशोभित व्यक्ति की ऐसन राजनीति में देखी दुराचारी प्रवृत्तियां सरकारन की तरीके से गिराऊ और बनाऊ और ओकर अगर कोनो व्यक्ति इंडोर्स करत है तो ओकर विरोध होई चाहिए। यह चीज की हम पछे उपहास में नहीं उड़ाई सकी तहन। और जनता अपना जनादेश देखी बड़े बड़े तानाशाहन की भ्रम है जिनके लागत रहा है उनके आवे से पहले शून्य रहा और उनके जाए के बाद अंधकार हुई। आज अपना इतिहास उठा के देख ली हर तानाशाह की इतिहास आज पूछता हुआ नहीं ला है। यह हाल भारतीय जनता पार्टी का कांग्रेसों पर आरोप है कि 60 साल राज करीन तो तानाशाही करीन ते ही से जनता उनका किनारे कर। देखिए एक लंबे वर्ष तक हम पचे हैं देश में राज करें कोनो हमें गलत बात नहीं है। अपना सरकार ले आई अपना खुद बताएं कि यूपीए की योजना रही ना अपना योजना लागू कर पाए ना अपना रेल ले आए पाए। अब भाजपा ले आई तो अपना कही थे कि कांग्रेस सब यह रेलें न चले दी। देखिए दो चीज होती चाकू होते डॉक्टर के पास एक है डॉक्टर उसे ऑपरेशन करत है एक है कातिल उसे छुरी घोंपी देता है। तो दुनो क्या देखिए योजना हम पे चले यान ओके हम पे क्रियान्वित करत रहन ओके आगे बढ़ावे काम करत रहन लेकिन कहाँ ना कहाँ चूंकि भारतीय जनता पार्टी के मनसा किसानन के हित के न हो कहके अपने उद्योगपति मित्रन की फायदा पहुँचा होता है। अपना देख रहा है पूरे देश में हल्ला है जेपीसी मनावे की मांग कर रहा है विपक्षी सांसदगण कि कहाँ ना कहाँ जोने तरीके से भाजपा उद्योगपति के हितन के संरक्षण कर रही है उनके खिलाफ। तो कहाँ ना कहाँ कांग्रेस पार्टी देखिए हमेशा जनता के हित काम करीस भारतीय जनता पार्टी है देश में एक नए धारा राजनीति के नई धारा की परिभाषित करी। यदि रोजगार नहीं मिले तो कांग्रेस के का कदम देखिए दो चीज है पहला हम पचे सड़क पर लड़ाई लड़ीन रहा है अदालतों में लड़ाई लड़े के कांग्रेस पार्टी काम करी जितना तनखा जी हो जितना हमारे जो लीगल टीम है कांग्रेस पार्टी कौन से हम पचे लगातार सतत संपर्क में हैं जितना भी विस्थापित हैं परियोजना में और हम पचे समझे चाहिए थे कि आखिर कस के किसानन की रोजगार दिवावा जा सकते हैं। एक अतिरिक्त हम पचे सरकार अगर बनी यह चीज पर हर गंभीरता से हम घोषणा पत्र में रही 2000 देखिए क्षेत्र के जो भी वरिष्ठ नेतागण हैं उनसे बात की जाए और उनसे निवेदन की जाए कमलनाथ जी से हम व्यक्तिगत तौर पर मिलकर निवेदन करब कि हम पचे जब आजकल कमलनाथ जी के उद्देश्य है कि जौन प्रशासन है जौन शासन की चीज ही ओके गांवन तक ले जावा जाए ओके कस्बन तक ले जावा जाए और वह क्षेत्र के जो मांग है ओके अनुरूप घोषणा पत्र तैयार हो और उनके उस क्षेत्र की आकांक्षा कहां कहां भोपाल में बने वाले घोषणा पत्र तक पहुंचे तो यह चीजन की शामिल करावे के प्रयास की जाए। चलिए निश्चित तौर पर हमारे साथ रहे हैं शिवम शुक्ला जी और अपना कांग्रेस के प्रदेश के प्रवक्ता ही हूँ अपना के द्वारा जो है बहुत कुछ बात ऐसा कही गई ही जो सीधे सीधे तौर पर समझी कि या एक किसान के कहो न कहो जो कहा जाए अपमान है। किसान खुद कह रहा है कि यदि रोजगार नहीं तरेल नहीं बहुत सारा मुद्दा है लेकिन या कहो न कहो एक विवाद के जो है विवाद की स्थिति उत्पन्न हो रही है और लगातार 5 साल से किसान मांग कह रहे हैं कि जल्द से जल्द नौकरी दी जाए कहे कि लड़कन के उम्र ओवर एज हो रही है। हमारे साथ प्रभावित किसान हैं का शुभ नाम है अपना राघवेंद्र प्रसाद मिश्रा जी का अपना पचेंट मांग लेके बैठे हैं। अब यह है रेलवे के वादा खिलाफी जो रेलवे वादा खिलाफी की ही लड़कियन के रोजगार खेती हम 5 मांग लेके बैठे हैं न मिली रोजगार तो क्या करब। अब हम लोग अनशन में तो बैठे हैं अब या तो रेल चलाबे कहा तो जान ले हम 5 जन के जब तक रोजगार न दे जब तक रेल न चले दे हम 5 रेल चली तो हमारे लोगन के सीना से चली सीधे सीधे सीधा है कि माने रोजगार दो नहीं रेल बंद करो अगर जो रेल चलावे कहे तो वहीं तो हमारे पाचन के सीने से चढ़ाई के निकाला रेल। चलिए तो अपना सुन रहे हैं कि अधिग्रहित किसान जो है सीधे आर या पार के सरकार से लड़ाई लड़ रहे हैं कह रहे हैं कि रेल तबे चले दे जब रोजगार मिली रोजगार नहीं तो रेल नहीं। परिवार का वादा कीन गया मगर वादा खिलाफी कह दीन गया तो सीधे तौर पर समझी कि सरकार पर सीधा निशाना है। और अब किसान तो ये कह रहे हैं कि यदि चौ है रोजगार नहीं तो वोटो नहीं। तो अब 2023 और 2024 माह दोनों में चुनाव हैं अब देखब दिलचस्प हो कि किसानन की या जो मांग ही ओका
कैसा सरकार माना थी, कैसा किसान का संतुष्ट करा थी, या देखा बेहद दिलचस्प हुई था। अपन अपने परिवार के रखा बहुत ख्याल, धन्यवाद, प्रणाम।